प्यार के चक्कर में 1.5 लाख की सुपारी। मर्डर मिस्ट्री के खुलासे से पुलिस भी सन। आज आपको क्राइम तक पर एक ऐसे केस के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर चल रही है, ये जो दाढ़ी वाले शख्स हैं जिनका नाम मनोहर उर्फ मिंची है, ये कुछ समय पहले तक जिंदा थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इनकी हत्या हो गई? बता दें कि मनोहर का अफेयर भोजपुर में एक शादीशुदा महिला से चल रहा था। उस महिला के पति को जब मालूम हुआ कि उसकी पत्नी और पड़ोसी के अवैध संबंध हैं, तब पति ने हत्या के लिए बेंगलुरु से प्रोफेशनल शूटर्स हायर किए, जिसे 1.5 लाख रुपए की सुपारी देकर बिहार के भोजपुर में बुलाया गया। इसके बाद इस प्यार के चलते 1.5 लाख रुपए की सुपारी देकर बेकरी व्यवसायी की हत्या कराई गई। हालांकि पुलिस ने खुलासा किया है कि इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक की तलाश जारी है। आपको बता दें कि 10 जून को बिहिया थाना क्षेत्र में मनोहर उर्फ मिंची नाम के केक व्यवसायी को देर रात घर के बाहर बुलाकर गोली मार दी गई थी। इसके बाद इलाज के लिए मनोहर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई थी। तकरीबन 20 दिन बीत जाने के बाद व्यवसायी की मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। SP प्रमोद कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले के बारे में क्या बताया, आप भी सुनिए। एक कांड दर्ज हुआ था 10 जून को देर रात करीब 11 बजे के आसपास जो है, वहाँ पर एक मिंची नामक युवक था, मिंची यादव, और वो केक वगैरह की उनकी दुकान थी। और शाम को करीब 11 बजे के आसपास देर रात कुछ अपराधी आए, 2 से 3 की संख्या में थे, और उन्होंने उनसे केक मांगने के बहाने जो है जब बाहर निकला तो गोली मार के जो है उनकी हत्या कर दी और वहाँ से फरार हो गए थे। उसमें रोड जाम वगैरह भी हुआ था और उसमें हमारी टीम गठित हुई थी, लगातार काम कर रही थी, और टीम का गठन जो किया गया था उसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगदीशपुर, हमारे थाना अध्यक्ष बिहिया और DIO की टीम लगातार इस पर काम कर रही थी, और इसमें टीम ने सफलता भी प्राप्त की। शुरुआत में हम लोगों को कुछ क्लू मिला था, लेकिन 2-3 मामले थे वो स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जब आगे तकनीकी साथ CCTV और अन्य चीज़ों से जब मदद ली गई और जो कुछ हुलिया उनके घर वाले उनके पिताजी भी बताए थे कि किस रंग का कपड़ा पहना था, किधर गया था, तो उन सारे साक्ष्यों को जो है एक वैज्ञानिक ढंग से उसका अनुसंधान किया गया। उसका नतीजा रहा कि हम लोगों को इस घटना में शामिल टोटल सभी अभियुक्त जो है गिरफ्तार हो गए, एक बाकी रह गया है। इसमें टोटल 7 लोग शामिल थे। ये एक प्रकार की सुपारी किलिंग प्रकार की हत्या थी, और इसमें जो एक अभियुक्त हैं लाल बाबू प्रसाद, ये भी वही उनके मिंची जो जिसकी हत्या हुई है उसके घर से कुछ ही दूर पर रोड के दूसरे साइड उनका घर है, और उनका ये कहना है कि उन्होंने ये हत्या जो है 1.5 लाख रुपए में जो है शूटरों को जो है हायर किया, और उसमें से कुछ अपराधी जो बेंगलोर वगैरह बाहर भी जाते थे, पहले यहाँ घटनाएं करते थे लेकिन अभी भाग गए थे, उनको बुलाकर उन्होंने 1.5 लाख रुपए का जो है सुपारी दी, और उसमें से 80,000 रुपये नकद कैश दिया था, और उसके बाद ये सत्यापित को अंजाम दिलवाया। तो उसमें उनका ये प्लान था कि जो कुछ 2-3 अपराधी इसमें जो हत्या खुद करेंगे, और एक लाइनर का काम कर रहा था, और एक दो अपराधी ऐसे थे जो बीच में इन लोगों का मुलाकात करवाए थे, और एक जिसने खुद इसमें हत्या करवाई थी। इस तरीके से इसमें टोटल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई जो शामिल है। इसमें से पहला है गुड्डू कुमार यादव, दूसरा है कमलेश कुमार, ये तीसरा उमेश यादव, और ये तीनों जो है तो कुलई के आसपास के रहने वाले हैं, चौथा लाल बाबू प्रसाद जिसने खुद ही हत्या करवाई, ये बिहिया का रहने वाला है, पांचवा है दसई, ये भी जो है धरहरा वहीं बिहिया का रहने वाला है, और छठवां है धनजी नट वह व्यक्ति है बेलवनिया का जिसने ये कट्टा दिलवाया था, उसके पास कोई कट्टा था, उसने भाड़े पर अपना कट्टा दिया था और 2 गोलियां दी थी। तो इस तरीके से एक गोली मारी गई, एक गोली वहाँ पर बच गई थी। तो इस तरीके से इसमें शामिल सभी 6 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हो गए हैं, और ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बिहिया थाना और हमारे DIO की टीम की रही है। और इसमें एक देसी कट्टा, 3 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल, जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था हत्याकांड को जो है अंजाम देने के लिए, तो वह मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। तो इस तरीके से इसमें टोटल सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, और इसमें जो गुड्डू यादव है, पहले इसके खिलाफ जो है 2 मामले बिहिया में ही दर्ज हैं, और एक लूट का है और दूसरा भी जो है चोरी और छिनैती का ही है। कमलेश जो है उसके ऊपर भी जो है 302 हत्या का मुकदमा पहले से दर्ज है। इस तरीके से इसमें जो कुछ शूटर थे इनके खिलाफ पहले से भी कांड दर्ज थी और इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। हत्या के पीछे कारण क्या थे सर? देखिए, जो पूछताछ में लाल बाबू के साथ जिसने हत्या करवाई उसने खुद बताया कि जो मिंची था तो
इन लोग इनके घर पे इनकी वाइफ टेलरिंग का काम करती थी लाल बाबू की, तो इससे घर पे आना जाना था, काफ़ी घरेलू संबंध था। लेकिन उसी में फिर इसकी वाइफ से जो है लाल बाबू प्रसाद की पत्नी से जो है मिंची की काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई, और उसी में जो है लाल बाबू प्रसाद का आरोप है कि वहाँ पे एक मिंची का और एक घर बन रहा था नया जो खाली रहता था, और उसकी पत्नी को ले जाके वहाँ पे उसका जो आरोप है कि इसके साथ जो है जो अवैध संबंध रहे, और उसी के बाद से लाल बाबू प्रसाद का कहना है कि हमने जो है प्रण किया था कि हम इसको मरवाएंगे, और उसी के लिए इसने जो है जो बंगलोर गया हुआ पहले अभी यहाँ पर लूटपाट में शामिल रहता था, जो बंगलोर चला गया था उसको बुलाया और अन्य जो है उसमें 2-3 अपराधियों को शामिल किया और इस तरीके से इनकी हत्या को जो है अंजाम दिलवाया। आपने सुना कि किस तरह एसपी प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि पत्नी के प्रेम प्रसंग से आक्रोशित लाल बाबू प्रसाद ने 1.5 लाख रुपए में मनोहर की हत्या की सुपारी दी। इसके बाद अपराधियों ने पूरी प्लानिंग के तहत मनोहर को केक खरीदने के बहाने बाहर बुलाया और गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस कांड में शामिल 7 अपराधियों में से हत्या की साजिश रचने वाले महिला के पति सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है, साथ ही एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।